मैं राधा मोहन प्रसाद, रिटायर्ड सचिव बिहार लोक सेवा आयोग। आज मैं बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण अधिनियम 2011, संशोधित अधिनियम 2017, संशोधित नियमावली 2019 के अंतर्गत जो सर्वेक्षण कार्यक्रम बिहार में प्रारंभ होने जा रहा है, उसमें अमीन के बारे में, उसके कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। ये उल्लेखनीय है कि सर्वेक्षण कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। सर्वेक्षण कार्य में दो पदाधिकारियों की ऐसी भूमिका है जिसको इनकार नहीं किया जा सकता है कि वही आधार स्तंभ हैं। पहला अमीन और दूसरा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का जो कार्य होता है, उस कार्य में प्रशासनिक और कार्यालय का काम दोनों होता है, और उनके प्रशासनिक दायित्व में सर्वेक्षण कार्य भी आता है, लेकिन एक कार्यालय कार्य भी होता है। तो इस सर्वेक्षण कार्य में जो कार्यालय से संबंधित कार्य है, उसके अतिरिक्त जो फील्ड सर्वेक्षण का कार्य है, यानी स्थल पर जाकर जांच करना, भूस्वामित्व की जांच करना, और भूस्वामित्व के जांच के आधार पर अधिकारों के अभिलेख में प्रविष्टि करना, तो इसके जो प्रक्रम हैं, इसके हर प्रक्रम में सिर्फ और सिर्फ अमीन की भूमिका है। ग्रास रूट पर इस सर्वेक्षण कार्य में अमीन की महत्वपूर्ण भूमिका है। अमीन के भूमिका के साथ साथ उसके नियंत्री पदाधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन दोनों भूमिकाओं से अलग जो निर्माण कार्य है, अधिकारों के अभिलेख का निर्माण कार्य, उसके कई प्रक्रम हैं। जैसे किस्तवार के बाद खानापूरी के साथ साथ विश्रांति, अंतिम अधिकार अभिलेख तैयार होना, किस्तवार के प्रारंभन के साथ ही अमीन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। अमीन के कार्य के जितने अच्छे ढंग से उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, जितने अच्छे ढंग से भूमि संबंधी समस्याओं के बारे में बताया जाएगा, उतना ही अच्छा हमारा रिकॉर्ड तैयार होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं, भूमि से संबंधित रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं, वो आम जनता के पहुंच के अंतर्गत होते हैं। आम जनता उसका सर्टिफाइड कॉपी लेती है। सर्टिफाइड कॉपी लेने के बाद आवश्यकता अनुसार, अगर उसकी आवश्यकता होती है, अगर उसके हित की बात नहीं होती है, तो वो उसके खिलाफ जो न्यायालय बने हुए हैं, आइदर रेवेन्यू कोर्ट, आइदर जुडिशियर कोर्ट, वो उसमें न्यायालय में भी वो जाती है आम जनता। तो ये समझना होगा कि अमीन का कार्य क्यों महत्वपूर्ण है। बिहार, ये इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 74 पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में, लोक दस्तावेज के बारे में बताता है कि लोक दस्तावेज कौन होता है, और 76 बताता है कि लोक दस्तावेज का सर्टिफाइड कॉपी कैसे लिया जाएगा और क्या वो जनता के पहुंच के दायरे के अंतर्गत है। दोनों ही सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, और उसको इस अमीन के और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के कानूनगों के कार्य से जोड़ना इसलिए आवश्यक है कि ये दोनों ही, बल्कि कानूनगो सहित ये तीनों पदाधिकारी एक लोक सेवक के रूप में कार्य करेंगे, और लोक सेवक के रूप में कार्य करने के दौरान जो भी डॉक्यूमेंट बनाए जाएंगे, वो लोक दस्तावेज कहे जाएंगे। यही धारा 74 का मूल अर्थ है। यानी अमीन के द्वारा, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा, कानूनगो के द्वारा जो भी दस्तावेज, जो भी भूमि अभिलेख तैयार किए जाएंगे, जैसे अधिकारों का अभिलेख, खतियान हो गया, वो खानापूरी के पंजी का भी लेगा, खानापूरी पर्चा का भी ले सकता है, प्रारूप का भी ले सकता है, नक्शे का भी वो सर्टिफाइड कॉपी ले सकता है, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स भूमि से संबंधित हैं, वो सब का सर्टिफाइड कॉपी ले सकता है। अगर उसके हित की बात नहीं होगी, तो वो
जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनके यहाँ वो अपील दायर कर सकता है, वो विचारण में जा सकता है, रिवीजन में जा सकता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारी ये जो लोक सेवक हैं उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो अच्छे ढंग से हो, त्रुटि नहीं हो। तो अमीन का जो भी दायित्व है, जो भी कार्य है, वो एक नियंत्रण का विषय होता है। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी उसके नियंत्री पदाधिकारी होते हैं, कानूनगो नियंत्री पदाधिकारी उसके होते हैं, दोनों के देख रेख में वो काम करे। तो अमीन का प्रथम कार्य किस्तवार से शुरू होता है। किस्तवार के दौरान उसको सर्वेक्षण, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के द्वारा उसको मैप यानी भू सर्वेक्षण मानचित्र उसको उपलब्ध कराया जाता है, वहाँ से उसको कार्य प्रारंभ करना है। ठीक है, ये तो कार्य प्रारंभन की बात हुई, लेकिन जो हमारा अधिनियम है वो अधिनियम यह बताता है, सबसे पहला प्रावधान ये करता है अधिनियम की धारा सेक्शन 3(1) और 2 कि सबसे पहले सर्वेक्षण कार्य की अधिसूचना जारी की जाएगी, ताकि लोग यह समझ लें कि उनके उस क्षेत्र विशेष में, उनके जिले में, उनके अनुमंडल में, उनके अंचल में सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ हो गया है। उसके बाद अधिघोषणा जारी की जाती है बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा। नियमावली के नियम 4 में इसका प्रोविजन किया हुआ है कि अधिघोषणा जारी की जाएगी और सर्वेक्षण कार्य प्रारंभन की वो सूचना दी जाती है कि अब हमारा सर्वेक्षण कार्य इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, इस विशेष क्षेत्र में प्रारंभ हो गया, वहाँ से इसका कार्य प्रारंभ हो जाता है। इस कार्य प्रारंभन में दोनों की भूमिका यानी अमीन और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि कार्य प्रारंभ करने के पहले जो तैयारी होती है उन तैयारियों को करना। तो कौन कौन सी तैयारी होती है ये जान लेना जरूरी है, अमीन को क्या करना है ये जान लेना जरूरी है, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को जो कि एक प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे ये जान लेना जरूरी है। तो अमीन की जो परिभाषा दी हुई है अधिनियम में सेक्शन 2(11) सब सेक्शन 11 है, उसमें परिभाषा दिया हुआ है कि जो अमीन से अभिप्रेत है भूखंडों की नापी और माप के अनुसार स्केच मैप, मैप बनाने में तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त सर्वेक्षण तथा बंदोबस्ती से संबंधित कार्य एवं समय समय पर ये समनुदेशित ऐसे कार्य के क्रियान्वयन के लिए भू अभिलेख परिमाप विहार से अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति। इस परिभाषा से सिर्फ यह स्पष्ट होता है कि भू सर्वेक्षण से संबंधित जो टेक्निकल वर्क्स हैं, तकनीकी कार्य हैं, उसमें अमीन को करना है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी अन्य ऐसे कार्य हैं कि जो भू सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ होने के साथ साथ उसको करना है, जैसे राजस्व ग्राम में प्रचार प्रसार। जिस राजस्व ग्राम का सर्वेक्षण होने जा रहा है वहाँ पर प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार में जिला भू बंदोबस्त पदाधिकारी की भी भूमिका है, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की भूमिका है, अमीन की भी भूमिका है। अमीन की भूमिका ये है कि वही एक ऐसा कर्मचारी है कि जिसको उस राजस्व ग्राम की जनता के साथ रूबरू होना है, उनके समस्याओं को समझना है, वहाँ की जनता उसके साथ रहेगी, अपने कागजातों को दिखलाएगी, अपने दायित्वों के अंतर्गत उसको विचार करना है, और जो उसके दायरे में होगा, उसके दायित्व के दायरे में होगा, उसके आधार पर उसका निष्पादन करना है। तो पहला कार्य यहीं से प्रारंभ होता है कि प्रचार प्रसार, अगर सहभागिता होगी, लोगों की भागीदारी होगी, उतना ही अच्छा काम होगा। दूसरा, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सर्वेक्षण के दौरान कार्य प्रारंभन के साथ साथ अमीन के पास कौन कौन से ऐसे कागजात होनी चाहिए जिसके आधार पर वो लोगों के दावे को भी सुने और निष्पादन भी करे, कार्य भी करे। तो सबसे पहला होता है राजस्व रिकॉर्डों की उपलब्धता। राजस्व रिकॉर्डों में जैसे पूर्ववर्ती जो सर्वेक्षण हुए हैं उसके खतियान की कॉपी। पूर्ववर्ती सर्वेक्षण का अर्थ ये हुआ कि या तो वह जिला कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण के अंतर्गत का जिला है या रिविजनल सर्वेक्षण के अंतर्गत का जिला है।
तो कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण के जस्ट बाद रिविजनल सर्वेक्षण हो गया था, वहाँ पर एक खतियान है वहाँ का, वहाँ के नक्शे हैं। दूसरा, जमींदारी उन्मूलन के बाद जो रिविजनल सर्वे हुआ उसके अंतर्गत के ज़िले हैं वहाँ का खतियान हुआ। कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर चकबंदी खतियान भी फाइनल हो गया है और चकबंदी का खतियान भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण मैप यानी नक्शे का होना आवश्यक है। अगर अमीन के पास सर्वेक्षण मैप उपलब्ध है तो ग्राम के सीमांकन में जो ग्राम सीमा का वो निर्धारण करेगा नए नक्शे और पुराने नक्शे के आधार पर, वो उसके लिए उसका बेस कागजात है उसी के आधार पर उसको निर्धारण करना है। तीसरा, जमाबंदी पंजी का उपलब्ध होना, तो जमाबंदी पंजी राजस्व प्रशासन के ओर से उसको उपलब्ध कराया जाएगा और इसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की कि वो अपने जिला बंदोबस्त पदाधिकारी के माध्यम से राजस्व स्थानीय राजस्व प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर डिजिटलाइज्ड जमाबंदी पंजी प्राप्त कर लें और वहाँ के संबंधित राजस्व ग्राम के अमीन के पास वो आपूर्ति कर दें। इसके अतिरिक्त जिस राजस्व ग्राम का सर्वेक्षण होने जा रहा है वहाँ पर सरकारी ज़मीनों की सूची किस तरह से अमीन को उपलब्ध होगा, जैसे राजस्व प्रशासन के अंतर्गत जो भूमि है यानी अंचल अधिकारी के जो डोमेन में, जो उनके क्षेत्राधिकार में, जो उनके रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में जो दर्ज भूमि है उस भूमि की विवरणी उनके द्वारा दी जानी है। हो सकता है कि उस ग्राम में, उस राजस्व ग्राम में विभिन्न सरकारी विभागों की ज़मीन हो, जैसे सिंचाई विभाग की ज़मीन हो, PWD रोड की ज़मीन हो, REO की ज़मीन हो, शिक्षा विभाग के स्कूलों की ज़मीन हो, इत्यादि इत्यादि विभिन्न विभागों की भूमि की सूची उसके पास होना आवश्यक है ताकि रैयती जो दावे आएंगे, हो सकता है कि रैयती दावे सरकारी ज़मीन पर भी कर दिए जाएँ, तो उसके आधार पर जब सरकारी ज़मीनों की सूची रहेगी तो वो तुलनात्मक ढंग से उसकी विवेचना कर, उसका जस्टिफिकेशन कर आवश्यक वो कार्रवाई करेगा। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट उसके पास उपलब्ध रहे अमीन के पास, ये प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की, कार्य प्रारंभ करने के साथ साथ वहाँ उपलब्ध करा दें। अमीन के पास आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति, भू सर्वेक्षण से संबंधित जो वही कार्य हैं उसमें जो अमीन के जितने ऑपरेटर्स हैं, जितने भी उसके तकनीकी यंत्र हैं, उसकी आपूर्ति हो जानी आवश्यक है। अब अमीन के इन सामानों को प्राप्त कर लेने के बाद जो ड्यूटी बनती है वो बनती है कि क्षेत्र विशेष में जिस राजस्व ग्राम से वो संबंधित है वहाँ के भूधारियों से, रैयतों से प्रपत्र 2 में जमीन की विवरणी प्राप्त कर लेना, उनके द्वारा धारित जमीन की विवरणी प्राप्त कर लेना प्रपत्र 2 में। तो प्रपत्र 2 प्राप्त कर, कार्यालय से प्राप्त कर, जो उस स्थान विशेष के, उस राजस्व ग्राम विशेष के जितने भी उपलब्ध रैयत हैं उन रैयतों के साथ मिलकर बात कर, मीटिंग कर कि हम अपना कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, एक प्रारंभन के पूर्व की तैयारी कर लेना और उनको हस्तगत करवाना। इसमें 2 महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक भूमिका ये होती है अमीन की कि स्थानीय स्तर पर जो भी ग्राम के चौकीदार हैं, जो भी ग्राम के पुराने दफादार हैं, जो पंचायत से संबंधित, जो भी उस गांव में काम करने वाले पंचायत रोजगार सेवक इत्यादि इत्यादि हैं, उनका मदद वो लें ताकि उन्हें ये पता चल जाए चौकीदार के माध्यम से कि कौन व्यक्ति गांव में हैं और कौन व्यक्ति गांव से बाहर रह रहे हैं। जो व्यक्ति गांव में हैं उनके बीच प्रपत्र 2 की आपूर्ति हो जाए और वो दे दें। दूसरा, जो गांव से बाहर हैं, किसी न किसी परिवार के लोग उनको ज़रूर जानते हैं, उनके घर परिवार के लोग होंगे, तो उनका मोबाइल नंबर ले लें, उनका पता ले लें और उस पते पर उनको सूचना दे दें कि इस राजस्व ग्राम में भूमि सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, आप अगर इस राजस्व ग्राम में ज़मीन रखते हैं, ज़मीन के मालिक हैं, ज़मीन जोतते हैं, तो आप अपने दावे के समर्थन में कम से कम स्वघोषणा
निर्धारित अवधि जो भी होगी उसके अंतर्गत आप दाखिल कर दें। स्वघोषणा प्राप्ति के साथ ही अमीन का महत्वपूर्ण कार्य एक ख़त्म होता है कि उसके पास भूधारियों के स्तर से, रैयतों के स्तर से वह उनकी खुद की स्वघोषणा प्राप्त हो जाती है। अब उनकी खुद की जब स्वघोषणा प्राप्त हो जाएगी उसके बाद प्रारंभ होता है स्वघोषणा का सत्यापन, यानी स्वघोषणा में रैयत ने, भूस्वामी ने, भूधारी ने, या उसमें ऐसे भी भूस्वामी होंगे जो बाहर रहते हैं, ज़मीन उस गांव में उनकी है, वो उस गांव में नहीं रहते हैं, तो उस तरह के भी पाही रैयत उनको कहा जाता है, उस तरह के भी लोग होंगे, वो देंगे। स्वघोषणा देने के साथ उसका सत्यापन का जो कागजात होगा वो कौन कौन सा कागजात होगा, इस पर अमीन को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे रैयत जो हाल में ज़मीन खरीदे हों, सेल डीड से लिए हों, नामांतरण कराए हों, और उनके द्वारा स्वघोषणा में दिया जाता है कि यह ज़मीन उन्हें क्रय के द्वारा प्राप्त है, तो उसके आधार पर उनके स्वामित्व में बहुत कम आपत्ति होने की बात होती है। आपत्ति होने की बात होती है कि कैडस्ट्रल सर्वे में कोई रैयत हैं, अलग हैं, कैडस्ट्रल सर्वे के बाद आज के दिन इतने सारे उसमें सेल हो चुके हैं, बिक्री हो चुकी है, स्वामित्व में परिवर्तन हो चुका है कि पता नहीं चल रहा है कि कैडस्ट्रल सर्वे के जो खतियानी रैयत हैं उनसे और ये वर्तमान रैयत का क्या संबंध है। तो इन दोनों के बीच में जांच कर ये पता कर लेना कि ये जो स्वघोषणा दी गई है वो वास्तव में सही है। स्वघोषणा के साथ साथ एक और अमीन का महत्वपूर्ण कार्य होता है जो कि शुरू में ही कर लेना अच्छा होता है, वो है वंशावली प्राप्त करना। और ये वंशावली का एक फॉर्मेट है, एक पत्र दिया हुआ है। वंशावली का प्रपत्र स्थानीय रैयतों को बताना कि आप इस वंशावली के फॉर्मेट में जो बनाया हुआ है वित्त प्रपत्र उसमें आप अपनी वंशावली को दाखिल करें। और जैसे ही वंशावली प्राप्त हो जाए रैयतों के द्वारा उसको एक पंजी में क्रमानुसार दर्ज कर लें, जिस किसी भी रैयत के द्वारा, भूस्वामी के द्वारा वंशावली नहीं दी जाए, पर्सनल कॉन्टैक्ट पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर ये पता कर लें किस कारण से उनके द्वारा नहीं दिया गया है। दो ही कारण हो सकता है, या तो उस गांव में वो नहीं रह रहे हों, बाहर रह रहे हों, या उनका कोई भू संपत्ति नहीं हो। भू संपत्ति नहीं होने का अर्थ ये नहीं होता है कि अगर फैमिली में, परिवार में ज़मीन है तो उसमें उनका स्वामित्व नहीं है, उसमें उनका हक नहीं है, यानी कि उस गांव में रह रहे हैं किंतु उनके पास कोई संपत्ति नहीं, वो किराए पर भी रह सकते हैं। इसलिए बेहतर होता है कि वंशावली प्राप्त कर वंशावली की जो पंजी बनेगी उसमें उनको रख लेना। अब उसके साथ साथ अमीन को एक और कार्य करना है, वो कार्य करना है प्रपत्र 5 में खतियानी विवरणी यानी तेरीज तैयार करना। और इस तेरीज को तैयार करने में विगत सर्वे का जो खतियान है, सर्वेक्षण खतियान है, उसके आधार पर, उसके एंट्री के आधार पर एक वित्त प्रपत्र है, उस प्रपत्र को कहा जाता है 5, उस प्रपत्र में तैयार करना, ताकि जब सर्वेक्षण करने हमारे अमीन जाएं वहाँ पर तो ये पता चल सके कि क्या वास्तव में पुराने खतियानी रैयत के ही वारिसान आज के डेट में ज़मीन जोत रहे हैं, या बंटवारा होकर के कोई अन्य जोत रहा है, या उस ज़मीन का पूर्ण रूपेण हस्तांतरण हो चुका है। यानी तेरीज एक कार्य यह करेगा, भू स्वामित्व के निर्धारण में वो उसका महत्वपूर्ण रोल होगा, और उसके निर्धारण में एक वो सहायक दस्तावेज का काम करेगा। उसके बाद में ऐसी कोई भूमि भी मिलेगी अमीन के पास जो विवादास्पद भी होगी, इस पर दावे प्रति दावे किए जा रहे होंगे उस गांव के रैयतों के द्वारा, और वो रैयत ये बताएंगे कि ये मेरी ज़मीन है, मेरे पास कागजात है, दूसरे करेंगे कि मेरे पास कागजात है, ये मेरी ज़मीन है, तो वहाँ पर भी वाद नहीं करना है। उसके लिए एक पंजी बनाई गई है प्रपत्र में, जिस पंजी का नंबर दिया हुआ है क्रमांक 42, उस 42 में
उसको दर्ज कर लेना है, विवादास्पद भूमि का विवरण। और ये प्रपत्र 5 जैसे ही तैयार हो जाएगा तो उसको एक अलग कर लेना है। क्यों अलग कर लेना है अमीन को? क्योंकि जिस जमीन में कहीं कोई विवाद नहीं है, किसी तरह की कहीं कोई बात नहीं है, उतना रिकॉर्ड हमारा आराम से तैयार हो गया, और जो विवादास्पद भूमि होगी उस पर विधिवत रूप से कागजात लेकर के अपने कानूनगो को वो बताएंगे कि इस तरीके की स्थिति है, कानूनगो के सामने रखेंगे, कानूनगो उनको चूँकि विवाद उसमें आ गया है नोटिस कर, उनको सुनकर और जो भी नियमानुसार आदेश होगा उसमें आदेश करेंगे और तत्पश्चात उस पर कार्रवाई अमीन के द्वारा की जाएगी। अब इसके बाद में आता है कि अगर खतियान उपलब्ध नहीं है उस गांव का, पुराना खतियान कैडस्ट्रल सर्वे का हो, रिविजनल सर्वे का हो, अगर उपलब्ध नहीं हो तो खतियानी विवरणी तैयार करने का आधार क्या होगा? तो उसके लिए आधार होगा हमारी जो जमाबंदी पंजी है, अंचलों में जो संधारित जमाबंदी पंजी है, वही उसका डिजिटलाइज जमाबंदी पंजी, अभी सब प्रत्येक अंचल में उसको करवाया गया है, कंप्यूटराइज उसको करवाया गया है, और वो बेस बनेगा और तत्काल उसके आधार पर प्रपत्र 5 तैयार किया जाएगा, खतियानी विवरणी तैयार किया जाएगा। और ये खतियानी विवरणी नियम 9 के उपनियम 1 के अनुसार तैयार किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर अगर खतियान नहीं है किसी गांव का, कैडस्ट्रल सर्वे का नहीं है, रिविजनल सर्वे का नहीं है, तो हम क्या करेंगे? काम हमें करना है, राजस्व रिकॉर्ड को बनाना है, अधिकारों के अभिलेख को तैयार करना है, तो उसके लिए हमारा महत्वपूर्ण कार्य होगा कि किसी भी स्थिति में हम उसको छोड़े नहीं और रैयत को सुनकर, जैसे ही जमाबंदी पंजी हम बनाएंगे, जमाबंदी पंजी के आधार पर तेरीज का निर्माण करेंगे, तो एट ए ग्लांस चूँकि उस गांव से ही कार्यवाही प्रारंभ हो रही है तो उसके आधार पर उन रैयतों की स्थिति भी जान लेंगे कि क्या वास्तव में जो जमाबंदी पंजीधारी हैं रैयत, क्या वे वही रैयत हैं, सही है कि नहीं, इसके स्थिति की जानकारी भी हो जाएगी। तो हमारे पास अमीन के लिए जो आधारभूत दस्तावेज तैयार हो गए, प्रथम भूधारी की स्वघोषणा हो गई, ये आधारभूत कागजात हो गए, उसके लिए बेसिस हो गए। दूसरा, भूधारी के स्वघोषणा के साथ साथ तेरीज यानी खतियानी विवरणी जिसको कहते हैं, सार कहते हैं, वो हो गया। अगर वो नहीं है तो उसके बाद में जमाबंदी पंजी हो गया, जमाबंदी पंजी के आधार पर खतियानी विवरणी का सार बन गया। और सबसे महत्वपूर्ण होगा कि अमीन एक डायरी मेंटेन करेंगे। उस डायरी में क्या होगा कि डे टू डे उनके द्वारा प्रतिदिन कौन कौन सा कार्य किया गया उसका विवरण उसमें वो लिखेंगे। अगर उनके द्वारा रैयतों ने उनके समक्ष दावा किया तो उसका उन्होंने निष्पादन किया उसकी भी प्रविष्टि करेंगे कि इस फलाने केस में ये आपत्ति आई थी, इसके दौरान हमने इसके दावे का निष्पादन किया। तो अमीन के महत्वपूर्ण कार्य में ये ऐसे कार्य हैं जिसके आधार पर हमारा बेस आधार तैयार होता है कि किस तरह से हम सर्वेक्षण की कार्रवाई करने के पूर्व अपने सारे कागजातों को दुरुस्त कर लें, ताकि जब किश्तवाड़ की कार्यवाही प्रारंभ हो तो किश्तवाड़ की कार्यवाही में हमें दिक्कत नहीं। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रक्रम अमीन का शुरू होता है, वो शुरू होता है किश्तवाड़ से। किश्तवाड़ प्रक्रिया का प्रारंभन उस समय स्टार्ट होता है, शुरू होता है जब हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के द्वारा भू मानचित्र जिस राजस्व ग्राम में संपादित होने जा रहा है, कार्यवाही प्रारंभ होने जा रही है, उस गांव का भू मानचित्र वो उपलब्ध कराते हैं जिला बंदोबस्त पदाधिकारी को या सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को, और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के माध्यम से अमीन को मिलता है। इसके अलावा कंपरेटिव एरिया स्टेटमेंट उनके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। एक कंपरेटिव एरिया स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें नए सर्वे और पुराने सर्वे दोनों का समावेश होता है,
जिसके आधार पर एक तुलनात्मक, जिसको कहते हैं क्षेत्र विवरणी, क्षेत्र का स्टेटमेंट दिया जाता है कि पुराने में यह था, नया में ये बना है। और वास्तविक नक्शा प्रदान किया जाता है अमीन को, कि जिसके आधार पर वो क्षेत्र में जाकर के, उस पर्टिकुलर राजस्व ग्राम में जाकर नक्शे के आधार पर, तो कंपरेटिव एरिया स्टेटमेंट के आधार पर वो अपनी जांच प्रारंभ करते हैं। तो जांच प्रारंभन के साथ साथ अमीन के पास कागजात जो होते हैं, पहला कागजात हो गया भूधारी की स्वघोषणा, दूसरा हो गया कि उनके पास बंसावली आ गया, तीसरा हो गया कि उनके पास खतियानी विवरणी यानी प्रपत्र पाँच में तेरीज हो गया उनके पास, उसके बाद में उनका खुद का अमीन डायरी हो गया। ये चार ऐसे कागज हो गए जो उनके पास अब रेडी रेकनर के तौर पर है। अब उनका कार्य प्रारंभ होता है किश्तवाड़ का, नक्शे के आधार पर ग्राम सीमा का सत्यापन। सबसे पहला काम अमीन का होता है कि जिस राजस्व ग्राम का वो सर्वेक्षण करने जा रहे हैं, अधिकारों का अभिलेख तैयार करने जा रहे हैं, तो किश्तवाड़ के दौरान उन्हें जो भू मानचित्र प्रदान किया गया उसके आधार पर पहले वे ग्राम सीमा का सत्यापन करें कि जो नक्शे, जो भी नक्शा अवेलेबल कराया गया है, उपलब्ध कराया गया है हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के द्वारा, वो पुराने नक्शे के आधार पर क्या आज के दिन उस गांव की सीमा वही है या कहीं कोई परिवर्तन हुआ है। तो ग्राम सीमा का सत्यापन होगा। उस ग्राम सीमा के सत्यापन में अगर कहीं कोई आपत्ति होगी, दूसरे गांव के भी सीमा से लगने वाले लोग जो होंगे वो आपत्ति करेंगे, सीमा आपकी बात पहले हो रही है, ग्राम सीमा का सत्यापन, तो जिस राजस्व ग्राम का व्यक्ति आपत्ति करे वहाँ के अमीन के साथ ग्राम सीमा का सत्यापन वो प्रारंभ करेंगे। फल ये होगा कि दोनों अमीन अपने अपने सर्वेक्षण का जो मैप दिया गया है, भू सर्वेक्षण मानचित्र दिया गया है, उसके आधार पर एक कंक्लूजन पर आएंगे। अगर नहीं होगा तो जो भी मुस्तकिल दिया हुआ होगा, जहाँ से वो कोऑर्डिनेट्स दिया होगा, जहाँ से नक्शे को उन्होंने कोऑर्डिनेट्स के आधार पर वो नक्शे को बनाया है, देखा है, उसके आधार पर वो मिलान करेंगे। और मिलान होने के बाद, ग्राम सीमा सत्यापन के होने के बाद, वो तब दूसरी कार्रवाई करेंगे कि गांव के उस सर्वेक्षण मानचित्र जो, हवाई मानचित्र जो दिया हुआ है, उसमें जितने भूखंड, जितने मानचित्र बनाए हुए हैं भूखंडों के, उसका क्रम के हिसाब से शुरू करेंगे सत्यापन। और प्रत्येक भूखंड का अमीन के द्वारा सत्यापन किया जाना है। ये सत्यापन उत्तर पश्चिम से करेंगे और उसी बढ़ते क्रम में वो चले जाएंगे। सत्यापन के दौरान जिस दिन उनका सत्यापन कार्य प्रारंभ होगा, उसके लिए विधिवत रूप से लोगों के बीच जागृति पैदा करने के लिए, लोगों के बीच जाकर बताने के लिए कि आज से इस गांव में जो भू मानचित्र दिया हुआ है उसके आधार पर हम प्लॉट वाइज जांच करने जा रहे हैं, और सभी जो भी व्यक्ति हैं जिनका जो जो प्लॉट है उससे संबंधित दावे का कागजात उपस्थापित करें, बतावें, और साथ ही साथ उन्हें लिखते भी जाना है कि ये प्लॉट फलाने का है, ये प्लॉट फलाने का है, ये प्लॉट फलाने का है, उसके आधार पर वो तैयार करते जाएंगे। तो किश्तवाड़ के दौरान पहला काम हो गया भौतिक रूप से सीमा का मिलान कर लेना, दूसरा हो गया जितने भी भूखंड बने हुए हैं उनका सत्यापन करना, और ये सत्यापन उनको शत प्रतिशत करना है। खेसरों का सत्यापन जैसे ही हो जाए, जो भी व्यक्ति अगर आपत्ति करें कि हमारा ये भूखंड मेरा है, दूसरा व्यक्ति कहे भूखंड मेरा है, तो जो भी अपने दावे के समर्थन में कागजात दें वहाँ पर उन्हें विवाद नहीं करना है, उसको विधिवत रूप से दर्ज कर लेना है। और दर्ज कर लेने के बाद उसका निराकरण बाद में कागजातों को देखकर किया जाएगा। तो अगर किसी एक प्लॉट पर दावे, परस्पर दावे किए जाएं, तो उन दावों को भी नोट कर लेना है,
साथ ही साथ अपने डायरी में भी उसको नोट कर लेना है कि इस पर्टिकुलर प्लॉट पर, पर्टिकुलर भूखंड पर इन 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 व्यक्तियों के द्वारा दावे प्रतिदावे किए गए, और उसके बाद उस तरह की स्थिति को उन्हें अपने कानूनगो के समक्ष उपस्थापित करना है। दिमाग में रखना है ये कि जब भी दावे प्रतिदावे किए जाएं, तो जो मेरा पंजी है जिसको संधारण किया गया है, वो पंजी में इंटर हो जाए, दर्ज हो जाए, और दर्ज होने के बाद उसका जो भीत प्रपत्र है, यादाश्त पंजी, यादाश्त पंजी प्रपत्र 3-2, उसमें वो जरूर दर्ज हो जाए, ताकि कालक्रम में बाद में जब उसका निष्पादन हो, जब रैयत अपने दावे के समर्थन में कागजात दें, तो देखा जा सके कि वास्तव में किसका दावा सही है। ये पहले ही बताया जा चुका है कि अमीन के पास भूधारी की स्वघोषणा है, इसके अतिरिक्त उनकी वंशावली दी हुई है, इसके अतिरिक्त यह तेरीज उनके द्वारा बनाया गया है संबंध स्थापित करने के लिए, इसके अतिरिक्त उनके पास जमाबंदी पंजी की विवरणी है, इसके अतिरिक्त उनके पास सरकारी भूमियों की विवरणी है। तो भूखंडों के सत्यापन के दौरान अमीन के पास दो तरह के दावे किए जाएंगे। पहला दावा होगा जो सरकार के ज़मीन पर किया जाएगा, ये बताया जाएगा कि ये ज़मीन मुझे बंदोबस्ती से प्राप्त है, और बंदोबस्ती में दो तरह की बंदोबस्ती बता सकते हैं लोग स्थल पर, कि हमें पुराने ज़मींदार के द्वारा बंदोबस्ती से प्राप्त है। बंदोबस्ती मीन्स कि वे लोग बोलेंगे पट्टा बंदोबस्ती, ज़मींदारी रसीद के आधार पर प्राप्त है। दूसरी ओर ये दावा किया जाएगा कि ये भूमि हमें विधिवत रूप से सक्षम पदाधिकारी, जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा बंदोबस्ती के अंतर्गत पट्टा दिया गया है, ये सरकारी भूमि की स्थिति में होगी। तो वे अपना कागज़ देंगे, उन कागजातों को विधिवत रूप से वो यादाश्त पंजी में दर्ज कर देंगे कि इस पर्टिकुलर भूखंड पर इन इन व्यक्ति के द्वारा दावा किया गया, और दावे का आधार इनका ये कागजात रहा। तत्पश्चात वो अपने कानूनगो के समक्ष उपस्थापित करेंगे। रेती दावे जो भी होंगे वो कानूनगो के द्वारा निपटारा किए जाएंगे, और जो भी सरकारी भूमि से संबंधित दावे होंगे वो उन दावों का निष्पादन किया जाएगा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा। तो ये कार्रवाई हो जाएगी प्रारंभ। कार्रवाई प्रारंभ होने के जैसे ही उस गांव के संपूर्ण भूखंडों का अमीन के द्वारा सत्यापन कर लिया जाए, संपूर्ण भूखंड माने उस मैप में, उस मानचित्र में सारे के सारे भूखंड जब उनके द्वारा स्थलीय जांच कर लिए जाएं, तो एक कार्य समाप्त हो जाता है भूखंडों के सत्यापन का। अब उस ग्राम में दो तरह की ज़मीन हो सकती है, एक ज़मीन होगी चिरागी गांव है, तो एक ज़मीन होगी कृषि कार्य की ज़मीन होगी जिसमें संपूर्ण रूप से खेती किया जाता होगा, दूसरे प्रकार की ज़मीन होगी जो आवासीय क्षेत्र की भूमि होगी। तो पहले जो सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ होगा, वो सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करेंगे कृषि कार्य की जितनी भी भूमि है उसका, तब वो जब खत्म हो जाएगा तब वो आवासीय भूमि क्षेत्र जो होगा, जो नक्शा में बनेगा, उसका वो सत्यापन करेंगे। सत्यापन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद खेसरों का नंबरिंग क्रम देना शुरू करेंगे। तो क्रम देने में एक सावधानी ये बरतना है कि ये जब भी खेसरों का क्रम दिया जाएगा तो वो उत्तर पश्चिम से प्रारंभ किया जाएगा, उसके पहले प्रारंभ नहीं होना है, उत्तर पश्चिम से एकदम बढ़ते हुए क्रम में देना है। कोई भी खाता, कोई भी भूखंड बिना किसी क्रम नंबर के नहीं रहे, ये ध्यान देना आवश्यक है। हर हाल में एक क्रम के हिसाब से बढ़ते जाना है, और खेत का सत्यापन होगा इसमें, क्योंकि गांवों में खेसरे नहीं होते हैं, कई खेसरे ऐसे होते हैं पुराने खेसरे, उन खेसरों में कई कई फरीक, कई कई व्यक्ति खेती करते हैं और मेड़ बने होते हैं। तो जो जिनके अधिकार क्षेत्र में हो, जिस पर वो खेती कर रहे हो, उसका खेत का स्वरूप दे देते हैं। खेसरा हो सकता है कि बड़ा भी हो,
एक एकड़ का खेसरा हो उसमें पांच व्यक्ति मिलकर के खेती कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग मेड़ होगा तो वो अलग अलग खेत होगा। खेत वाइज उनको अपना देख लेना है कि क्या वास्तव में एक खेत इनके दखल में है कि दो खेत है कि तीन खेत है, जो भी स्थिति होगी उसके हिसाब से अमीन वहाँ पर वेरिफिकेशन कर, भूखंडों का वेरिफिकेशन कर विधिवत रूप से वो नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में सबसे मुख्य चीज़ रहेगा, ध्यान देने वाली बात रहेगी कि कोई भी छूटे नहीं, नंबरिंग में कोई भी भूखंड छूटे नहीं और एक क्रम के हिसाब से आगे बढ़ते चले जाएं। उसके बाद जैसे ही नंबरिंग हो जाएगी, वेरिफिकेशन हो जाएगा प्लॉट्स का, वो हैंडओवर कर देना है अपने एएसओ के पास और एएसओ के माध्यम से वो पूरा कागजात फिर हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के समक्ष चला जाएगा। हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के जाने के पूर्व ये बनाया हुआ है वेरिफिकेशन में कि सबसे पहले कानूनगो को पहले अपना वो भूखंडों का वेरिफिकेशन कर लेना है कि जो अमीन ने अपना वेरिफिकेशन किया है, 100% वेरिफिकेशन किया है, क्या वो वास्तव में सही है या नहीं है। उसके बाद एएसओ को कर लेना है। एएसओ अपने वेरिफिकेशन में ये ध्यान रखेंगे कि रैंडम वो चेक करेंगे, ये नहीं कि एक सीरियल में कहीं से उन्होंने उठाया, रैंडम चेक करेंगे कि जो रैंडम चेक में आएगा ये पता चल जाएगा कि क्या वास्तव में हमारे अमीन ने जो भी भूखंड का सर्वेक्षण किया है, देखा है, मिलान किया है एरिया स्टेटमेंट से, तेरीज से, मंसावली से, सब से मिलान करके वो बनाया है, वो वास्तव में सही है कि नहीं। और इस तरह का अगर वेरिफिकेशन होगा, रैंडम चेक होगा, तो रैंडम चेक से एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी, भूखंड के सत्यापन की स्थिति अच्छी रहेगी। उसके बाद खानापूरी का दौर प्रारंभ होता है। खानापूरी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, बल्कि अधिकार अभिलेख के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ खानापूरी से ही प्रारंभ होता है। स्थल जांच के बाद, भूखंडों के सत्यापन के बाद, नंबरिंग के बाद, बंसावली और स्वघोषणा के सत्यापन के बाद जो कार्य प्रारंभ होता है वो कार्य प्रारंभ होता है खानापूरी से ही। लेकिन खानापूरी के पहले कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं जिनके आधार पर जो खानापूरी अधिकार अभिलेख बनने जा रहा है उसके एक्यूरेसी की, उसकी सत्यता की भूमिका स्थापित होती है कि ये अच्छे ढंग से कार्य किया जा रहा है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसमें वंशावली का। उस वंशावली के सत्यापन में जो ध्यान दिया जाता है कि ये जो वंशावली उस गांव के रैयत के द्वारा, भू मालिक के द्वारा दी गई है, क्या ये वास्तव में सही है, क्या जो उनके द्वारा कागजात दिए गए हैं क्या वो वास्तव में सही हैं। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी अमीन ये नहीं बता सकते हैं कि ये वही हैं, उन्हीं के वंशज हैं, ये उस गांव के रहने वाले सत्यापित करके बता सकते हैं कि वास्तव में ये उनके वंशज हैं। और इसके लिए प्रोविज़न किया हुआ है, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को यह काम कराना है कि जिस गांव का खानापूरी प्रारंभ होने जा रहा है किस्तवाड़ के उपरांत, वहां के वंशावली का सत्यापन वहां के गांव की आम सभा को बुलाकर के, पंचायत की सभा को बुलाकर उसको वो सत्यापित करा लें। इस सत्यापन के दौरान उन्हें जो जो कार्यवाही करनी है उसका एक चेकलिस्ट बना लें कि कौन कौन से बिंदु पर जिनमें आपत्ति दी गई थी अमीन के किस्तवाड़ के दौरान, जो उसने आपत्ति नोट किया था, इसका निष्पादन नहीं हो पाया था, उसका भी एक चेकलिस्ट बना लें ताकि दोनों काम एक साथ हो जाए, वंशावली का भी सत्यापन हो। वंशावली के सत्यापन के पहले जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। स्थानीय जनप्रतिनिधि जो भी गांव के होते हैं, चूँकि उनको उसी ग्राम में रहना है, उनकी भी उस गांव में ज़मीन होती है, और बहुत से ऐसे गांव के ग्रामीण होते हैं जो बहुत सारी बातों को जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्थिति यह होती है
कि उस राजस्व ग्राम में रहने वाले लोगों के बारे में उस गांव के बहुत सारे ऐसे वृद्ध होते हैं कि बाई नेम जानते हैं कि ये फलाने के वंशज हैं, ये फलाने के वंशज हैं, ये फलाने के वंशज हैं, या उनके वंशज अब नहीं हैं, ये उनके नाती हैं, ये उनके फलाने हैं, इस तरह की स्थिति, बाई नेम जानते हैं। तो इसके सत्यापन के लिए उनके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए? पहला तो हो गया कि आमंत्रण देना पंचायत के मुखिया से, सरपंच से, जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से बात कर उस पंचायत में एक मीटिंग का आयोजन, ग्राम सभा का आयोजन। इसमें वार्ड मेंबर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, जिन्हें ये पता रहता है कि उस गांव में उसके उनके वार्ड में रहने वाले ये व्यक्ति हैं, इनका ये इस वंश के हैं या इनके द्वारा ये जमीन धारित किया जाता है। दूसरा, थाना से संपर्क प्राप्त करना। थाना प्रभारी अगर उस मीटिंग में उपस्थित होते हैं तो उनके साथ साथ थाना प्रभारी से ये अनुरोध करना कि वे उस गांव के चौकीदार के को, दफादार को जरूर उस मीटिंग में रहने के लिए लिखित आदेश निर्गत करें। थाना प्रभारी उस दिन कमान भी काट करके दे दें कि उस गांव में ये स्थानीय ग्राम सभा होने जा रही है, आप उस गाँव में उपस्थित रहेंगे। ग्राम का जो भी चौकीदार होता है, एक तरह से वो उस ग्राम का रहते हुए वो सरकार के ओर से काम करने वाला भी वो एक लोक सेवक के रूप में काम करता है। वो सरकार का भी होता है, स्थानीय लोगों के बीच भी रहता है, स्थानीय लोगों की बात को जानता है और उन्हें गांव के बहुत सारे स्थिति की जानकारी रहती है, विवादों के बारे में जानकारी रहती है, सही स्थिति का वो ब्यौरा प्रस्तुत कर सकता है। तो जिस दिन मीटिंग हो, ग्राम सभा का आयोजन हो, उस आयोजन में वंशावली का अगर सत्यापन 100% हो जाता है तो काम बहुत आसान हो जाएगा कि हाँ वास्तव में ये उनके वंशज हैं। ये बहुत सारे ऐसे कैडस्ट्रल सर्वे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर 1903 से लेकर के 1916 के बीच में सर्वेक्षण हुए हैं, दो सर्वेक्षण हुए, पहला सर्वेक्षण कैडेस्ट्रल का हुआ, दूसरा उसके तुरंत बाद रिविजनल सर्वेक्षण हुआ जो 1916 तक समाप्त हो गया। तो 1916 में जिस व्यक्ति का नाम कैडेस्ट्रल सर्वे में दर्ज है वो व्यक्ति तो जिंदा होगा नहीं, उसके बाद के जितने उनके वंशज हैं वही जिंदा होंगे, बहुत सारे मर भी गए होंगे। तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि कैडस्ट्रल सर्वे में ये थे और उनके ये वंशज हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण वंशावली के सत्यापन के लिए दस्तावेज होगा जो हर हाल में प्राप्त कर लेंगे ASO, वो होगा वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट से ये पता चल जाएगा हाल के दिनों में कि आज के डेट में जो भी वोटर हैं उनके पिता का नाम क्या है। अगर कुछ दिन बैक का भी अगर वोटर लिस्ट उन्हें मिल जाएगा तो इन्हें पता चल जाएगा कि उनके दादा का भी नाम क्या है। तो इस सत्यापन में, वंशावली के सत्यापन में ये महत्वपूर्ण होगा कि जितना एक्यूरेट होगा, जितनी एक्यूरेसी होगी अच्छे ढंग से सत्यापन की, जनप्रतिनिधियों का उसमें सहयोग अगर मिल गया तो हमारा वंशावली एक महत्वपूर्ण रोल है, वो वंशावली हमारा अच्छे ढंग से तैयार हो जाएगा। अब होगा वंशावली जब मेरा बन गया, स्थानीय जांच हो गया, किश्तवाड़ की कार्रवाई में प्लॉट्स भूखंड के क्रम दे दिए गए, तब आता है निर्माण करने का। जो प्रथम चरण शुरू होता है अधिकारों के अभिलेख के निर्माण का, वो शुरू होता है खेसरा पंजी से, खेसरा पंजी का निर्माण। खेसरा पंजी का निर्माण प्रपत्र 6 में किया जाना। अब खेसरा पंजी के निर्माण के लिए कौन कौन से आधारभूत दस्तावेज होंगे और इन सारे कार्यों में अमीन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पहला होगा अमीन के पास आधारभूत दस्तावेज कि रैयत की स्वघोषणा, उस पर्टिकुलर भूमि के बारे में, उस पर्टिकुलर जमीन के बारे में जो जमीन उनके द्वारा धारित किया जाता है, जो उनके द्वारा उनके स्वामित्व की भूमि है, या उनके संबंध में जो कागजात प्रस्तुत किए जाते हैं कि हमने इसको सेल डीड से प्राप्त किया है, या हमें ये सरकारी ज़मीन थी बंदोबस्ती से मिली है, या हमें ये भूदान की ज़मीन थी भूदान प्रमाण पत्र के अंतर्गत मिली है, या हमें ये ज़मीन सीलिंग के अंतर्गत थी उससे मिली है। तो जो भी कागजात उनके द्वारा दिए जाएंगे स्वघोषणा के साथ वो कागजात होंगे, या हो सकता है कि उनके द्वारा
जो स्वघोषणा दिया जा रहा है, सिविल सूट में जो आदेश होता है सक्षम न्यायालय का, उसका पेपर दिया जाए। तो एक हो गया उनके पास रैयत की स्वघोषणा, दूसरी हो गई उनके पास वंशावली, तीसरा हो गया उनके पास दिया हुआ एक जो एरिया स्टेटमेंट होता है जो सर्वेक्षण एजेंसी के द्वारा दिया गया होता है, वो हो गया। चौथा हो गया उनके पास, अमीन के पास हो गया याददाश्त पंजी, जिस याददाश्त पंजी में उन्होंने किश्तवाड़ के दौरान स्थल सर्वेक्षण जो उन्होंने किया था, जो जो बिंदु उन्होंने पाया या आपत्ति उन्होंने पाया उस याददाश्त पंजी में उन्होंने दर्ज किया। उसके बाद पांचवा डॉक्यूमेंट उनके पास होता है खतियानी विवरणी, जिसको तेरीज कहा जाता है, विगत सर्वेक्षण खतियान के आधार पर तेरीज। ये तेरीज बहुत ही काम का चीज़ होता है, हालांकि हो सकता है कि भू स्वामित्व में बहुत सारे परिवर्तन हो गए हों, लेकिन आज के डेट में बहुत से ऐसे अभी भी हैं जो खतियानी रैयत के ही वारिसान हैं और काम कर रहे हैं, और उनके आधार पर वो स्वामित्व का निर्धारण हो सकता है। उसके बाद सरकारी भूमि जो उस गांव की है उसका कागजात, वो कागजात, सरकारी भूमि का कागजात, जो राजस्व विभाग के स्वामित्व की ज़मीन है, वो कागजात संबंधित अंचल अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा संबंधित अंचल अधिकारी के द्वारा जो उपलब्ध कराया जाता है कागजात, वो उसको छोड़कर अन्य विभागों की जो भूमि है, स्वामित्व की भूमि है, गांव में मैक्सिमम अधिकांश भूमि सड़कों की भूमि होती है, हो सकता है कि वो आरईओ की सड़क हो, पीडब्ल्यूडी की सड़क हो, जिला परिषद की सड़क हो, अब तो जिला परिषद की सड़कें आरईओ को हस्तांतरित हो गई हैं मेंटेनेंस के लिए। उस गांव में अगर हॉस्पिटल हो, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर स्कूल नहीं है, तो स्कूल की जो भूमि है वो शिक्षा विभाग की भूमि होती है, उस तरह की भूमि होगी। अगर वो उस गांव में गोचर भूमि है, उस गांव में रेलवे, अगर उस गांव से गुजर रहा है रेलवे की भूमि है, एनएचएआई की भूमि है, तो ये सारे विभागों की भूमि का कागजात अलग से अलग अलग विभाग वाले समर्पित करेंगे, जो एएसओ के द्वारा उन्हें दिया जाएगा। तो खेसरा पंजी के निर्माण में उन्होंने चूंकि जांच कर लिया है, स्थानीय जांच कर लिया है, और इन सारे दावा आधारित कागजातों के आधार पर प्रपत्र 6 में खेसरा पंजी का निर्माण अमीन के द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। खेसरा पंजी के निर्माण में यह ध्यान रखना है कि जो उन्होंने स्थल पर देखा, जो उन्होंने याददाश्त पंजी में अंकित किया और जिसका निष्पादन हुआ, निष्पादन करने के लिए कंपिटेंट सक्षम उनके पास 2 अधिकारी हैं, एक कानून को और सरकारी ज़मीन के संबंध में एएसओ, इनके द्वारा जो निष्पादन हुआ, उस निष्पादन के आधार पर जो वास्तविक स्थिति है उसके आधार पर खेसरा पंजी में प्रविष्ट वो करेंगे। खेसरा पंजी का शुद्धिकरण अगर अच्छे ढंग से तैयार होगा तो उसके आधार पर ही खानापुरी पर्चा प्रपत्र 7 में निर्गत किया जाता है। खानापुरी पर्चा प्रपत्र 7 में निर्गत होगा, उसके साथ साथ उनको LPM लैंड पार्सल मैप भी साथ साथ देना है। खानापुरी पर्चा में क्या क्या करना है, क्या तैयारी करनी है, खानापुरी पर्चा का जो प्रपत्र 7 है उसकी कंप्यूटराइज कॉपी तैयार कर लेनी है, और जितनी सारी प्रविष्टि है करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि खानापुरी पर्चा की उस गांव के जो भी संबंधित रैयत हैं उनको प्राप्त कराया जाना। कैसे उनको प्राप्त हो ये महत्वपूर्ण अर्थ रखता है। हो सकता है कि वो रैयत उस समय गांव में नहीं हो, तो खानापुरी पर्चा हम किनको देंगे, इसमें ये मदद होगा कि ये किसी, क्या किसी भू स्वामित्व के किसी के ज़मीन का खानापुरी पर्चा किसी अन्य को दिया जा सकता है, कभी नहीं दिया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। हाँ, उस व्यक्ति की जो भू स्वामी है, अगर वो उस गांव में नहीं है
तो खाना पूरी पर्चा हस्तगत कराने में उसकी पत्नी को दिया जा सकता है, उसका जो बालिक बेटा है उसे दिया जा सकता है, उसकी अगर पुत्री उसके साथ रह रही है, अंडर एज है, उसको नहीं देना है तो उसको दिया जा सकता है। उस व्यक्ति के माता पिता अगर हैं, साथ में रह रहे हैं, वो उन्हें खाना पूरी पर्चा दिया जा सकता है। खाना पूरी पर्चा देने के साथ ही स्थिति बनती है कि क्या यह खाना पूरी पर्चा की जो प्रविष्टि हुई है, उसमें जो भूमि की प्रविष्टि हुई है, क्या उस रैयत के लिए वो ग्राह्य है या नहीं। अगर ग्राह्य है, रैयत उसको एक्सेप्ट करता है, तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति उसमें नहीं आएगी। खाना पूरी पर्चा में जो प्रविष्टि की गई है, अगर उसके आधार पर किसी रैयत के द्वारा ये दावा किया जाए कि नहीं, इस पर्चा में जो प्रविष्टि की गई है वो प्रविष्टि सही नहीं है, तो वो प्रपत्र फिर 8 में एक आपत्ति दाखिल करेंगे। रैयती भूमि के संबंध में होगा तो वो दाखिल करेंगे कानूनों के पास, और सरकारी जमीन से संबंधित अगर आपत्ति होगी कि नहीं साहब, ये सरकारी ज़मीन है, ये हमें बंदोबस्ती से प्राप्त हुई है, गलत ढंग से इसको सरकार के खाते में दिखलाया जा रहा है, तो ASO के पास दायर, और विधिवत रूप से उनको प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराया जाएगा। अमीन की ये जिम्मेवारी होगी कि उनके गांव के, उन जिस राजस्व ग्राम का वो सर्वेक्षण कर रहे हैं, कागजातों को, अभिलेखों को तैयार कर रहे हैं, उस गांव के 100% जो भी रैयत हैं उन्हें खाना पूरी पर्चा हस्तगत करा दिया जाए। अब यहाँ पर विचारणीय बिंदु ये है कि अगर वो रैयत उस गांव में रह रहा है, लेकिन उस दौरान, उस सर्वेक्षण के दौरान अगर बाहर काम करने चला जाए, परिवार के साथ चला जाए, तो हम किसको अवेलेबल कराएंगे, किसको हम हस्तगत करवाएंगे, क्या उसका खाना पूरी पर्चा पड़ा रहेगा। तो इस तरह के रैयतों की भी सूची अमीन को बनवा लेना पड़ेगा कि कितने ऐसे रैयत हैं जो इस दौरान, इस सर्वेक्षण की कार्रवाई के दौरान बाहर चले गए हैं, और उस गांव में अब तो मोबाइल इतना आम हो गया है कि हर कोई रखने लगे हैं, उनके परिवार के लोगों से, उनके इष्ट मित्रों से उनका मोबाइल नंबर लेकर के, उनके मोबाइल नंबर पर SMS करके उनको जानकारी देनी होगी कि चल रहा है, ये पर्चा तैयार हो गया है और ये स्थिति है, आपको इस संबंध में कुछ भी कहना है तो आप आकर के अपना दाखिल करें। अगर आपत्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपत्ति है तो आप आपत्ति भी दाखिल कर सकते हैं। तो खाना पूरी पर्चा उनको प्राप्त हो जाए, ये महत्वपूर्ण इसमें होगा अमीन के लिए। अब खाना पूरी पर्चा में बहुत सारे ऐसे कंडीशंस आएंगे जो अमीन को ध्यान देना है। उसमें आएगा, वंशावली में दिया हुआ है कि हम उनके वंशज हैं, इस पर मेरा दखल कब्जा है, परस्पर दावे किए जाएंगे कि अभी हम लोगों के बीच कोई बंटवारा नहीं हुआ है, इसलिए इस पर इनका दावा सही नहीं है। दो भाई हैं, दोनों भाई ये दावा करेंगे कि साहब इस ज़मीन पर हम लोगों के बीच कोई बंटवारा नहीं हो गया, तो उस स्थिति में क्या होगा, जब बंटवारा भी नहीं हुआ है, दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो सही स्थिति ये होगी कि अगर उनके पिता मर गए हैं, पिता के मरने के बाद ही इस तरह की स्थिति होती है, तो दोनों का नाम संयुक्त रूप से वहाँ पर डाल करके निकल जाना है कि इनके बीच आपसी बंटवारा नहीं हुआ है, शामिलात संपत्ति है, और बंटवारा होना न करना ये उनकी अपनी बात है, निजी बात है। कोई व्यक्ति संयुक्त रह सकता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट में ये प्रोविज़न किया हुआ है कि सभी परिवार, जितने भी हिंदू परिवार हैं, सभी संयुक्त हैं, अनलेस कि बंटवारा के संबंध में कोई वो उपयुक्त कागजात दे करके प्रूफ नहीं करते हैं कि हाँ इनके बीच बंटवारा हो चुका है। दूसरा जो खाना पूरी पर्चा में आएगा वो आएगा कि हमें ज़मींदार के द्वारा ये पट्टा बंदोबस्ती दिया गया है, पट्टा बंदोबस्ती के आधार पर प्राप्त है, तो पट्टा बंदोबस्ती का अब कोई भी इसका महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि पट्टा बंदोबस्ती के आधार पर जो भी ज़मीन की खाता खोलने की स्थिति बनी थी वो फील्ड बुझारत के दौरान हुआ था, ज़मींदारी उन्मूलन के बाद हुआ था, उसके आधार पर जमाबंदी पंजी बन गई, अब उस पट्टा बंदोबस्ती का
कोई महत्व नहीं है, रसीदी बंदोबस्ती का कोई महत्व नहीं। जो आज के डेट में एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी कागजात हैं उसके आधार पर ज़मीन का पर्चा बनेगा, पर्चा में खानापूरी, पर्चा में एंट्री होगी, प्रविष्टि होगी। तीसरा, अनुपस्थित रैयत जो होंगे, कंप्लीट अनुपस्थित हो गए, किस्तवार के दौरान भी अनुपस्थित हो गए, और ये खानापूरी के दौरान भी अनुपस्थित हो गए, आपने उनको सूचना भी दिया, उनको SMS किया, जो भी मींस थे उसके आधार पर आपने सूचना दिया, तो आप क्या करेंगे? तो अनुपस्थित रैयतों की प्रविष्टि वो ज़रूर अपने याददाश्त पंजी में कर लेंगे, यानी अमीन को कर लेना है, मैंडेटरी है कि ये रैयत मेरे किस्तवार के दौरान भी, मेरे खानापूरी के दौरान भी ये अनुपस्थित रहे, और अपने डायरी में जिस तारीख को वो गए हुए हैं ये उसमें लिख दें कि मैंने फलाने फलाने तारीख को इस राजस्व ग्राम के इस प्लॉट का स्वामित्व का वेरिफिकेशन किया और ये रैयत अनुपस्थित पाए गए, ताकि कालक्रम में भविष्य में जब वो मामला आपत्ति के अंतर्गत आए, कानूनगो के सुनवाई के अंतर्गत आए, ASO के सुनवाई के अंतर्गत आए, तो ये स्पष्ट हो सके कि वास्तव में अमीन ने उस गांव की प्लॉट बाई प्लॉट जांच किया था और ये रैयत अनुपस्थित थे। उनको ये आरोप लगाने का अवसर नहीं मिले कि नहीं साहब, हमसे पूछा नहीं गया, मेरी बात सुनी नहीं गई, मैं तो उस समय गांव में था। तो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तैयार कर लेना है। अब उसमें एक आपको लैंड पार्सल मैप भी देना है, साथ साथ खानापूरी पर्चा के साथ किसी भी रैयत को लैंड पार्सल मैप मिल जाए, ताकि वो ये देख सके कि खानापूरी पर्चा में जो भूखंड, जो ज़मीन का ब्यौरा दाखिल इसमें दर्ज है, वो हमारे इस लैंड पार्सल मैप से मिलता है कि नहीं मिलता है। दो ही चीज़ इसमें हो सकती है जिस पर ध्यान देना होगा, कि ज़मीन की स्थिति वास्तव में खानापूरी पर्चा में सही ढंग से दर्ज है, खेसरा वाइज दर्ज है, रकबा दर्ज है, किंतु मैप उस ढंग का नहीं है, नक्शा कोई दूसरी ही बात बोल रहा है, या नक्शा ठीक है, ज़मीन की विवरणी सही ढंग से दर्ज नहीं है। इसीलिए लैंड पार्सल मैप खानापूरी पर्चा के साथ दिया जाता है कि रैयत उसको मिलान कर ले, तुलना कर ले कि वास्तव में दोनों मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। और जो भी खानापूरी पर्चा लैंड पार्सल मैप रैयत को उपलब्ध कराया जाए, उसको विधिवत रूप से पंजी में इंटर जरूर कर लिया जाए। पंजी में इंटर हो जाने से ये स्पष्ट रहेगा कि वो आरोप नहीं लगा सकेंगे कि मेरी ज़मीन का ब्यौरा मुझे उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके बाद आता है आपत्ति देने का। आपत्ति अगर नहीं होगी उन्हें तो वो नहीं देंगे, अगर उन्हें आपत्ति होगी उस खानापूरी पर्चा के एंट्री के विरुद्ध, लैंड पार्सल मैप के विरुद्ध, तो वो प्रपत्र 8 में वो आपत्ति देंगे, और प्रपत्र 8 में आपत्ति देने के साथ साथ उन्हें ज़रूर पावती उन्हें उपलब्ध करा देना है, जो प्रपत्र 9 में होगा। पावती उपलब्ध करा देने से एक ये फ़ायदा होगा कि कल हो करके उन्हें यह कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि हमने तो आपत्ति दिया किंतु कार्यालय ने हमें कोई रिसीट नहीं दिया और कार्यालय ने गायब कर दिया। तो ये स्थिति होगी कि नेचुरल जस्टिस में, न्याय हित में किसी भी व्यक्ति के दावे को सुनना आवश्यक है, और उसके साथ साथ उसका एक एविडेंस रहे, इसके लिए भी कार्यालय में पंजी का संधारण होना आवश्यक है। और अमीन का कार्य इस क्रम में बढ़ने के साथ आपत्तियों की सुनवाई अगर सरकारी ज़मीन हुई तो ASO के द्वारा किया जाएगा, और रैती भूमि हुई, किसी भी प्रकार के दावे प्रति दावे किए गए तो कानूनगो के द्वारा किया जाएगा। उन दावों के बाद जब निष्पादन हो जाएगा उसका, तो पुनः जो भी आदेश कानूनगो और ASO का होगा उसके आधार पर खानापूरी ये खेसरा पंजी में सुधार कर उसको पुनः
तैयार कर लेना है और यह कार्य भी अमीन के द्वारा ही किया जाएगा। तो जब खेसरा पंजी फाइनल तैयार हो जाएगा, प्रपत्र 10 में जब प्रविष्टि हो जाएगी, तब उसके बाद खानापुरी प्रारूप अधिकार अभिलेख का निर्माण किया जाना है। खानापुरी प्रारूप अधिकार अभिलेख जो बनेगा वो प्रपत्र 12 में बनेगा। तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स आए उसके आधार पर सुनवाई भी हो गई, एसओ के द्वारा, कानूनगो के द्वारा विधिवत रूप से सुनवाई कर आदेश पारित किया गया, खेसरा पंजी में नए ढंग से उसकी प्रविष्टि कर दी गई और उसके आधार पर प्रपत्र 12 में प्रारूप अधिकार अभिलेख तैयार हो गया। अब प्रारूप अधिकार अभिलेख तैयार हो जाने के बाद उसका पब्लिकेशन होगा, फाइनल प्रकाशित कर दिया जाएगा। तदनुसार उसी हिसाब से नक्शे का भी जो हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को दे दिया जाएगा और नक्शे का भी विधिवत रूप से प्रकाशन किया जाएगा। अब इसके बाद जो कार्य होता है वो कार्य आता है विश्रांति। विश्रांति में, विश्रांति का अर्थ ये है कि अब किस्तवार का काम हो गया है, स्थल जांच का काम खत्म हो गया है, भूखंडों का उस पर क्रम डाल दिया गया है, आपत्तियों की सुनवाई कर दी गई है। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उस डॉक्यूमेंट्स को उस रैयत के, अगर आपत्ति दिए गए हैं तो आपत्ति के साथ जो रिकॉर्ड बने हैं उनके साथ संलग्न कर दिया गया है। सुनवाई होने के बाद, विधिवत रूप से सुनवाई करने के बाद जो रीजेंट ऑर्डर पारित किए गए हैं उनके बाद में अब प्रारूप खानापुरी अभिलेख तैयार करना है और यह कार्य सिर्फ और सिर्फ कार्यालय में तैयार होना है। इसलिए इसका नाम दिया गया विश्रांति। कार्यालय में तैयार किया जाएगा। इस दौरान, इस विश्रांति के दौरान अमीन की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। भूमिका ये है, कार्यालय में बैठ करके तैयार करना है, प्रारूप अधिकार अभिलेख का जो फॉर्मेट है उसमें विधिवत रूप से तैयार करना है और एक एक व्यक्ति का, एक एक रैयत का जो भी निष्पादन हुआ है उसको क्रम से तैयार किया जाना है। एक इसमें ध्यान देने की चीज़ ये होगी कि उनके खेसरा पंजी में जो दर्ज रकबा है, कुल रकबा, वो नक्शा भू सर्वेक्षण एजेंसी के द्वारा जो नक्शा दिया गया है उस नक्शे से में जो रकबा है उससे मिलान होता है कि नहीं। अगर ये मिलान हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मिलान होता है तो कहाँ अंतर आ रहा है इसको ढूंढना और उस पर पुनः उस प्रकार की त्रुटि को दूर करना। तो हमारा खानापुरी प्रारूप अधिकार अभिलेख तैयार हो जाएगा और इसके बाद उस खानापुरी प्रारूप अधिकार अभिलेख का पुनः प्रकाशन होगा। ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित हो वो उस गांव के सुगम में जो स्थल हो, जैसे पंचायत भवन हो, स्कूल हो, एक तो मुख्यालय जहाँ पर विश्रांति का, ये एएसओ का जो कार्यालय है जहाँ से ये पूरा काम किया जा रहा है वहाँ तो होना ही होना है, लेकिन पंचायत में निश्चित रूप से उसका प्रकाशन हो कि लोग देख सकें कि हमारे जो ये प्रारूप अधिकार अभिलेख बने हैं कि वास्तव में विधिवत रूप से इंट्री हुई है कि नहीं हुई है। प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशन के बाद आपत्ति हो सकता है कि लोग दें, रैयतों के द्वारा आपत्ति दी जाएगी, तो जो भी आपत्ति आएगी उसका विधिवत रूप से, हो सकता है कि रकबा की आपत्ति हो, खाता की आपत्ति हो, सॉरी खेसरा की आपत्ति हो, तो पुनः अगर एएसओ के द्वारा उनसे जांच प्रतिवेदन मांगा जाएगा तो पुनः उनको जांच प्रतिवेदन देना है। इसके आधार पर ये फाइनल हो जाएगा, आपत्तियों की सुनवाई हो जाएगी, तब उसके बाद पुनः उसका शुद्धिकरण होगा। इसके साथ ही जैसे ही प्रारूप अधिकार अभिलेख की कार्रवाई प्रारंभ होती है, साथ साथ तैयारी की जाती है धारा 20(3) के अंतर्गत
राज्य सरकार के द्वारा जो निर्धारित किया गया है लगान निर्धारण सूची, उसके आधार पर ASO के द्वारा उस राजस्व ग्राम के जो प्रारूप अधिकार अभिलेख बना है, जो प्रविष्टि की गई है, जिन जिन रैयतों की के नामों की प्रविष्टि हुई है, उनके द्वारा धारित जमीन की प्रविष्टि हुई है, उसका लगान निर्धारित कर उसके साथ साथ पब्लिश करें, प्रकाशित करें, तो रैयत यह जान सके कि हमारे द्वारा ये जो जमीन धारित की जा रही है, जो हमारे इस खानापूरी अधिकार अभिलेख में प्रविष्टि हुई है, उसका लगान ये है। अगर उस लगान में कहीं कोई उनके द्वारा आपत्ति की जाती है कि ज़्यादा है कम है, तो पुनः उसकी सुनवाई ASO के पास होगी, ASO उसका निष्पादन करेंगे, और निष्पादन करने के बाद फिर वो अनुमोदन के लिए भेजेंगे जिला बंदोबस्त पदाधिकारी के पास। जिला बंदोबस्त पदाधिकारी के पास से अनुमोदित होकर आने के बाद विधिवत रूप से उसका इंट्री होगा, और तब अंतिम रूप से अधिकार अभिलेख में उसको डालकर जो भी उसके स्तंभ हैं, बने हुए कॉलम्स हैं, उसमें दर्ज कर लगान निर्धारण सूची के साथ इंट्री कर अधिकार के अभिलेख यानी खतियान का पब्लिकेशन होगा। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट हो जाता है कि सर्वेक्षण प्रक्रिया में अमीन का बहुत महत्व है, खासकर किसी भी रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं हो, इसके लिए अमीन को नियमों की जानकारी, तकनीकी मार्गदर्शिका की जानकारी आवश्यक हो जाती है। तो हम समझते हैं कि जो भी अमीन का कार्य है करने के पूर्व, जो नए अमीन के कार्य से जुड़े कार्य करने के संदर्भ में जितने भी सारे हमारे यहाँ पदाधिकारी कर्मचारी आ रहे हैं, वे इसका अध्ययन करें और लोगों के साथ अपनी सहभागिता बनाएं, ताकि लोगों को भी, पब्लिक को भी ये लगे कि हमारे लिए जो कार्य हो रहा है, जो हमारा रिकॉर्ड ऑफ राइट अधिकारों का अभिलेख बनने जा रहा है, उसमें हमारा भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल है जितना कि अमीन का है। जैसे कि हम जो चीज़ अपने अधिकार के संबंध में अमीन के पास देंगे, उसकी प्रविष्टि होगी। प्रविष्टि का कहने का मतलब कि अगर वो ज़मीन हमने अगर सेल डीड से ख़रीदा है, तो ये चीज़ मुझे ही देना है अमीन के पास कि ये चीज़ मैंने सेल डीड से, ये ज़मीन मैंने ख़रीदा है। ये अगर हमें गिफ्ट से मिला है, तो ये चीज़ उस रैयत को ही देना है कि हमें बताना है कि हमें गिफ्ट से मिला है। ये अगर उन्हें वसीयत से मिला है, कहने का मतलब ये है कि दोनों की भागीदारी आवश्यक है इसमें। तो अमीन को ये जानना है कि हमारी जो भी कार्यवाही हो, जो भी कार्रवाई हम करने जा रहे हैं अधिकार अभिलेख के तैयारी के संदर्भ में, उसके प्रत्येक पहलू को हम जानें, प्रत्येक पहलू पर निगाह रखें कि त्रुटि नहीं हो। हम आशा करते हैं कि अमीन से संबंधित जो भी बात बताए गए हैं, जो भी कार्य प्रणाली बताई गई है, उसका विस्तृत रूप से विवेचना तकनीकी मार्गदर्शिका में भी है। साथ ही साथ जो बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं भू बंदोबस्त अधिनियम है, उसमें भी है, नई नियमावली आ गई है जो 2019 में संशोधित होकर के आई है, उसमें बहुत सी ऐसी परिभाषाएं दी गई हैं जो बहुत ही सुस्पष्ट हैं, उनके आधार पर करेंगे। अगर अमीन को किसी भी चीज़ में, किसी ओनरशिप के डिसीजन के बारे में, निर्णय लेने में, किसी सरकारी भूमि के बारे में अगर उनको दर्ज करने में कठिनाई हो, तो वो निश्चित रूप से अपने वरीय पदाधिकारी को, जो रैयती ज़मीन से संबंधित होंगे कानून को और सरकारी ज़मीन से संबंधित होंगे ASO, उनके समक्ष लिखित रूप में वो देंगे, ताकि उसका एविडेंस रहे कि हाँ, इन इन परिस्थितियों में मेरे द्वारा ये लिख करके दिया गया, ताकि जो उनके वरीय पदाधिकारी हैं एक्ट विथ रूल्स, उसका वो निष्पादन करें और त्रुटि रहित अधिकार अभिलेख का निर्माण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।